हिरण्यकश्यप ने जब भगवान को शत्रु मान लिया तो मंदराचल पर्वत पे चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान को मारना चाहता था। इसने सोचा कि ऐसे मार तो पाऊंगा नहीं, उनसे कौन लड़ेगा। सोचा अमरता का वरदान प्राप्त कर लूं, अमर हो जाऊं तब मारूंगा। मंदराचल पर्वत पे जाके इसने घोर तपस्या की। अब बताओ, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, लेकिन ये तपस्या तामसी है कि सात्विक है? बोलो, तामसी। वही पूजा, वही भजन अगर किसी का बुरा करने के लिए करोगे तो वही भक्ति तामसी भक्ति कही जाती है। और वही पूजा भक्ति अगर तुम अपने स्वयं के परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हो तो वही सात्विक भक्ति कही जाती है। कपिल भगवान ने बतलाया है तीन प्रकार की भक्ति, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति। लेकिन सूत जी ने नैमिषारण में भक्ति का तो भैया दो ही रूप बतलाया है, एक सकाम और एक निष्काम। प्रेम से बोलो जय सियाराम। भगवान की कितनी भक्ति है? दो, एक सकाम भक्ति और दूसरी निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति कहते हैं, सकाम भक्ति भी भक्ति है, लेकिन इससे श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति। ये मत सोचना कि सकाम भक्ति कोई भक्ति नहीं है, ना, ये भी भक्ति है भगवान की। भगवान इससे प्रसन्न भी होते हैं, मनोकामना पूर्ण भी करते हैं, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है क्या? सकाम नहीं, निष्काम भक्ति। दोनों का अर्थ समझ लो, तुम खुद ही समझ जाओगे। सकाम भक्ति होता है जिसमें भगवान का खूब पूजा, बंदन, व्रत, तीर्थ, माला, चंदन खूब किया जाए, लेकिन भगवान के लिए नहीं, अपने किसी मनोकामना के लिए, मनौती के लिए, अपने व्यक्तिगत सांसारिक सुखों के लिए, ये इसको कहते हैं सकाम भक्ति। ठीक, पूजा पाठ तो हो रहा है, भगवान का चंदन माला खूब हो रहा है, दर्शन हो रहा है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, तो ये भी भक्ति है। लेकिन ये कौन सी भक्ति है? बोलो, सकाम भक्ति। और इससे श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति, जिसमें भगवान से पाने के लिए भगवान को नहीं भजा जाता, भगवान को पाने के लिए भगवान को भजा जाता है। आज साधकों से ज्यादातर गलती जीव से यही हो रही है। हम भागवत को तो मानते हैं, रामायण को तो मानते हैं, राम जी को तो मानते हैं, श्याम जी को तो मानते हैं, गुरु को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। रामायण को खूब मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते। हमारे एक शिष्य हैं गोरखपुर में,